हेलो फ्रेंड, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे वीडियो को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे वायरल करें, कैसे व्यूज़ बढ़ाएं, कैसे लाइक बढ़ाएं, कैसे कमेंट बढ़ाएं और कैसे अपना सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। कहीं ना कहीं एक न एक दिन हम सारे जितने भी बड़े से बड़े यूट्यूबर हैं, एक न एक दिन वो भी एक जीरो सब्सक्राइबर में थे। ये सही बात है, रियलिटी जो मैं बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ। कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक दिन वो जीरो सब्सक्राइबर में था, लेकिन अभी हजारों लाखों कई लोग तो संदीप माहेश्वरी, जिन्हें मैं बहुत सम्मान देता हूँ, उनका चैनल आप ट्राई कीजिए, देखिए, उनका सब्सक्राइबर करोड़ों से भी ज़्यादा है और उनका वीडियो पर व्यूज़ तो एक मिनट में 1 लाख तक हो जाता है। उनका एक एक मोटिवेशन वीडियो हर इंसान को, दिल को छू लेता है। तो उनका जैसे वो भी एक न एक दिन जीरो में थे, लेकिन अभी वो करोड़ों सब्सक्राइबर में है। ऐसा नहीं कि संदीप माहेश्वरी जैसा है हम भी वैसे बनेंगे, ऐसे नहीं। सबके पास एक एक टैलेंट है, टैलेंट जिनके पास जैसा है वो वैसे ही आगे बढ़ेगा। अभी और एक बात मैं बताऊँगा, हमारा भुवनेश्वर, मैं उड़ीसा का हूँ, उड़ीसा का रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे हिंदी बहुत पसंद है। मैं सोचा हम उड़िया में भी मैं बता सकता था, उड़िया में भी वीडियो बना सकता, मैं दूसरा चैनल में खोलूँगा मैं, जिसमें सिर्फ उड़िया में बताऊँगा और जैसे मैं हिंदी बता रहा हूँ उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा और कहीं ज़्यादा एकदम अच्छा से मैं उड़िया में मनोरंजन कर सकता हूँ, मुझे मालूम है। पर अभी मैंने हिंदी में ये बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी मुझे पसंद है। तो वो है इशक मुंडा, जो उड़ीसा का भुवनेश्वर में रहने वाला, वो मुंडा जात का है। इशक मुंडा ईटिंग, आप लोग सर्च करके देखिए यूट्यूब पर, इशक मुंडा ईटिंग बोल के। एक न एक दिन पिछले साल मार्च में वो अपना चैनल शुरू किया था। उनके पास कुछ टैलेंट नहीं था, मैं सही से बता रहा हूँ, उनके पास कुछ टैलेंट नहीं था। उनका एक परिवार, उनका एक स्त्री, उनका एक बीवी, उनका एक बाल बच्चे थे, वही उनके पास था। लेकिन उसी टाइम, उसी जब लॉकडाउन हुआ था, तो उसे कुछ भी काम धंधा भी बंद हो गया उनका। तो जिनके पास वो काम करता था, जाके पता था कि साहब मुझे काम दिला दो, तो साहब ने बोलते थे कि भाई काम कुछ नहीं है अभी, क्योंकि लॉकडाउन है, सब परेशान में है, कोरोना के चक्कर में हम काम रहते हुए भी हम काम पर नहीं लगा सकते। तो ऐसे होकर वो हैरान में पड़ जाता था। तो क्या करेंगे, कैसे अपना परिवार को मैं पालूंगा पोषूंगा, ये सोचता था। तो उसके दिमाग में एक जिसे मैं गुरु मानता हूँ, मनोज दे, उनको उनका वीडियो वो भी एक दिन देखा अपना मोबाइल पे। तब उनका दिल में भी एक जुनून सा आया, एक सोच आया कि नहीं यार, मैं भी वीडियो बनाऊंगा, मैं भी कुछ करूँगा। और उसी दिन से वो अपना वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो पर किया था कुछ नहीं, सिर्फ खाना पीना, उसके सिवा और कुछ नहीं, क्योंकि उसे कुछ आता है ना, डांस करता था ना, और कुछ गाना गाता था या और दूसरा कुछ टैलेंट कुछ नहीं था। तो वो सोचा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं बनाऊंगा क्या, तो चलो चलिए कुछ भी नहीं है तो मैं तो डेली तो खा तो रहा हूँ, जीने के लिए तो खाना पड़ता है। तो वो सोचा चलो मैं यही खाना को लेकर शूट करूँगा और यही वीडियो को अपलोड करूँगा। तो लग पड़ा उन्हीं काम पे। उनका वीडियो इतना वायरल हुआ, वो खान पीन के चक्कर में इंसान देखते देखते एक एक वीडियो आप सर्च करके देखिए, 5 लाख 10 लाख तक व्यूज है उनका। तो उनका अभी तो 7-8 लाख तक पहुँच गया उनका सब्सक्राइबर है। और वो पहला उसको पेमेंट भी बहुत सारा अच्छा यूट्यूब में दिया है। मुझे भी बहुत खुशी मिल रहा है कि चलो यार, हमारे उड़ीसा में एक तो आदमी सफल हुआ है, बहुत सारे, उन्हें मैं दिल से धन्यवाद भी देता हूँ। चलो उनका जो भी थोड़ा सा भी कुछ था दिमाग में, उसी से लेकर वो आगे बढ़ा। उनका पहला और पेमेंट यूट्यूब ने उन्हें दिया है वो जो 37,000 लगभग, और उसके सेकंड पेमेंट उसे इतना दिया कि वो कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि अभी ज़िंदगी में उतना कमाया भी नहीं होगा। 5 लाख यूट्यूब उन्हें दिया है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारे उड़ीसा में ऐसे भी कुछ सिलेंडर आदमी है जो कि पहले फर्स्ट सेकंड टाइम एक बार ही 5 लाख रुपया मिलता है, तो बड़ी बात है। तो मैं कहने का मतलब है सबके पास कुछ ना कुछ है, तो उससे लेकर आप अपना जो आपका कमज़ोर है उसी कमज़ोर को आप हिम्मत में बदलो।
देखो उनका खान पीन आप जाकर देखो वो क्या क्या खाता है। एक नॉर्मल से आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली है, उनका खाना पीना कैसे होगा आप शायद थोड़ा सोचिए। तो वो उसी से लेकर वीडियो शूट किया और पॉपुलर किया है, सबको आगे पेश किया है कि देखिए अपना ज़िंदगी क्या है, मैं इसी ज़िंदगी से लेकर आगे चलता हूँ। तो उसी का वीडियो एकदम वायरल हुआ, वो भी एकदम वायरल हो गए। तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो पहले जीरो में थे, अभी लाखों में हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ, यकीन करता हूँ, सबका शुरुआत जीरो से ही होता है, एक ही एक से ही शुरू होता है। जो कोई अच्छा काम, जो भी शुरुआत होता है ना, शुरुआत का ए पहले नंबर हम देखेंगे, ढूंढेंगे, खोजेंगे, तो एक ही शुरुआत होता है, वो एक से हजार, हजार से लाखों, लाखों से करोड़ों तक पहुंचता है। तो मेरा कहने का मतलब, अब हिम्मत नहीं हारने का, होश नहीं खोने का, निराश नहीं होने का कि हम क्या करें, हमारा तो व्यूज़ नहीं है। आप वीडियो डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। यूट्यूब का काम ही ये है कि वो हमेशा एक नया नया यूट्यूबर को, क्योंकि वो अपना चैनल में ज्वाइंट चाहता है, दिन भर दिन उनका चैनल पर लोग जुड़े। ऐसे नहीं जो हेवी इंसान है जिनका करोड़ों सब्सक्राइबर, उनको ही इनके ऊपर ध्यान देगा, नहीं। अरे करोड़ों सब्सक्राइबर उनके पास है तो भी क्या हुआ, वो एक ही तो है, उसी का जैसा और 10 लोग को ढूंढता है, 10 से 100 को ढूंढता है, 100 से लाखों को ढूंढेगा। तो हमने सपोर्ट देना चाहिए, हम डेली अपना वीडियो बनाकर अपलोड करना चाहिए। अभी मुझे देखो 1 महीना हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं था, मैं अपना अपना काम में बिजी था, और दूसरा मेरा बहुत सारे टेंशन है, प्रॉब्लम है, मैं आपको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। दिन एक ना एक दिन आएगा, मैं ज़रूर मेरा खुद का जो भी प्रॉब्लम है, मेरा पीछे जो भी प्रॉब्लम है, वो मैं आपके सामने लाऊंगा और दिखाऊंगा कि मेरा पीछे क्या क्या है। अभी तो दिखाने से सबके आगे वो एक मजाक बन जाएगा, क्योंकि मैं भी नया हूँ, नया नया यहाँ मैं पैर रखा हूँ। जब मैं भी खुद अपने पैरों से YouTube पर खड़ा हो जाऊँगा, तब मैं अपना सब बैकग्राउंड का प्रॉब्लम आपको शेयर करूँगा, और आप कहोगे नहीं भाई ये सही कह रहा है। तो प्लीज़ अपना जो टैलेंट है दिखाओ, वीडियो धीरे धीरे डालते रहिए, एक ना एक दिन आप भी आपका सही नाम को रोशन कर पाओगे। मिलेंगे अगले एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।